हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़। वो क्या है गाइस? वो है अब तक की हुई हिस्ट्री के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल। हाँ गाइस, अब तक की हुई सबसे लार्जेस्ट सेल। इसमें कोई सामान वगैरह का सेल नहीं हुआ था गाइस, इसके अंदर पूरे के पूरे देश बिक गए थे। हाँ गाइस, आप गलत नहीं सुन रहे हैं कि पूरे के पूरे देश। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में कैसे क्या हुआ, इसका कोज क्या था वगैरह वगैरह क्या था। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनना कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या। जब 1939 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है? इसके बाद में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसके किसके बीच में? एक था USSR यानी कि रशिया और उसके जो ग्रुप थे वो, और दूसरी तरफ आ गया क्या, US और उसकी अलाइड पावर्स, ठीक है? अब मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ इनके अंडर और कौन कौन से देश थे, ठीक है? इसके अंडर में था क्या, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ऐसे देश थे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस थे, पावरफुल थे। इसके अंडर में क्या थे, इस्तान नेशंस जो कि क्या था, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, ठीक है? और थे इसकी तरफ बाल्टिक स्टेट्स वगैरह जो कि लुथिनिया वगैरह कई सारे देश थे, ठीक है? और इसके साथ में चाइना भी इसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, लेकिन USSR के अंदर नहीं आता था, ठीक है? अब बताता हूँ मैं गाइस आइडियोलॉजी क्या होती है। ये गाइस इस टॉपिक के काफ़ी रिलेट करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ओवरव्यू क्लियर हो जाए। अब देखो गाइस क्या है, ये एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे चलता था, ठीक है? सोशलिज्म, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कम्युनिज्म, मैं बताता हूँ गाइस कम्युनिज्म क्या होता है। मतलब कि जो है कि गवर्नमेंट वगैरह जो होती है उसका ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए पूरे रिसोर्सेज वगैरह पे, ताकि वो क्या कर सके, पूरे देश का भला कर सके, ठीक है? ये मानना था USSR का। और दूसरी तरफ जो US थी वो क्या मानती थी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जिसकी जितनी औकात है वो जितना वर्क करेगा, जितना वर्क कोई हार्ड कर रहा है, ठीक है, वो उतना ही क्या करेगा, कमाएगा वो, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक है? कैपिटलिज्म, ठीक है? दूसरी तरफ क्या है, कैपिटलिज्म। अब क्या होता है गाइस, 1991 आते आते क्या होता है कि बोरिस यल्सटिन के अंडर में क्या हो जाता है, USSR का पतन हो जाता है, मतलब कि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। हालांकि ये 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके रिफॉर्म्स के वजह से होते होते आता है, और 1991 के अंदर क्या होता है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जितने भी देश होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमें US की आइडियोलॉजी यानी कि US जैसा चलता है हमें वैसा ही, कि मतलब जो जितना कमाएगा वो उसकी क्षमता के हिसाब से कमाएगा, वो अपने हार्ड वर्क की वजह से कमाएगा, ठीक है? तो इस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस ऐसे क्या होता है कि जो रीजन्स थे ना रशिया की तरफ, ठीक है, रशिया, एशिया वगैरह, यूरोप वगैरह काफ़ी सारे देश थे इसके अंदर आते थे। अब वो क्या देश थे कि जैसे ही यहाँ पे USSR की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आएगी ना, उसके बाद में यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आएंगे, ठीक है, जो बदलाव आएंगे उन्हीं को हम नाम देंगे क्या, बिगेस्ट गैरेज सेल। वो मैं आपको बताऊंगा इसको गैरेज सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है? अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है? अब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं आपको बताऊंगा क्या, ठीक है? इसके अंदर क्या है कि लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब कि अब तक की हुई हुई सबसे लार्जेस्ट सेल आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये हुई कहाँ थी गाइज, रशिया में। मेन तो ये रशिया में हुई थी, लेकिन एक्चुअली में जो USSR के बाद में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, पहले कई सारे देश मिलके इंटीग्रेट हुए थे, ठीक है? तो अब जब डिसइंटीग्रेट होगा तो कई सारे देश टूटेंगे भी ना, तो कई सारे देश बनेंगे, ठीक है? लगभग 15 से ज़्यादा स्टेट कंट्रीज़ वगैरह जो हैं इमर्ज होती हैं, ठीक है? पॉलिटिकल में कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं, कन्फ्यूज़ मत होना गाइज, ठीक है? तो 15 से ज़्यादा स्टेट्स वहाँ से निकलते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, कैपिटलिस्ट की फीलिंग आती है, ठीक है? कैपिटलिस्ट आते हैं तो क्या होता है उसका इफेक्ट, ठीक है, रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट माना जाता है, ठीक है? टाइम कब था, 1991 के बाद में। मैंने गाइस यहाँ पे ऑनवर्ड्स लिखा है, 1991 नहीं लिखा। 1991 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद में जो चीज़ें हुई ना उनको हम कंसिडर करते हैं क्या, गैरेज सेल के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा वो कब तक चला था। लगभग वो चला था 2000 के आसपास तक। वो 2000 से क्या हुआ कि रिवाइव करने लगी थी क्या इकोनॉमी, मतलब कि वापस से ग्रो करने लगी थी। अब किसके अंडर में हुआ था गाइस, ये प्रेसिडेंट कौन था रशिया का उस टाइम में, बोरिस यल्सटिन। बोरिस यल्सटिन कौन था गाइस, मैं आपको वो भी बताऊंगा। 1991 के अंदर ये क्या बने, मिखाइल गोर्बाचेव। इनको न्यूक्लियर पावर के कोड्स वगैरह बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर के कोड क्या है, ठीक है? और
चल वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, और ये फिर 1991 के अंदर बनते हैं जो कि 2007 तक रहेंगे। बोरिस याल्स्टीन कौन है गाइज? ये रहे बोरिस याल्स्टीन, ठीक है। अब आप इनको देख सकते हैं कि 1991 से लगभग 2007 तक ये रहे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन होता है 1991 के अंदर बोरिस याल्स्टीन के अंदर, सॉरी बोरिस याल्स्टीन के अंडर में, तब क्या होता है कि जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी कि सब कुछ क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होती है अब ख़त्म हो जाती है। और जो वेस्ट की जो आइडियोलॉजी थी ना कैपिटलिस्ट की, मतलब कि जो जितना वर्क हार्ड करेगा वो उतना ही कमाएगा, वो वाली जो आइडियोलॉजी थी वो इन कंट्रीज़ के अंदर आ जाती है। अब गाइस कोई भी चीज़ का अगर नया नई चीज़ अगर लानी है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पूरी पुरानी जो चीज़ होती है ना उसको उखाड़ना नहीं पड़ता, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, कि मतलब कि पूरी तरह से उसको काटना पड़ता है, ठीक है। अगर उसको पूरी तरह से नहीं उखाड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों आइडियोलॉजीज मिक्स होंगी और क्या हो जाता है कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक गुड एग्जाम्पल भी सामने आ सकता है कि क्या पता अगर मिक्स हो जाएंगे तो क्या ज़्यादा अच्छा हो जाए। जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि इंडिया है वो दोनों की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, और जो चाइना है ना वो भी दोनों की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है। मैं आपको अभी एंडिंग में बताऊंगा कि इन दोनों का क्या रिलेट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक, अब क्या जो यूएस था वो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, उसके पैसे उनके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैपिटलिस्ट पे वर्क कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से ही क्या होता है एक तरह से डिसइंटीग्रेशन का कारण वो भी होता है कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल नहीं चल पा रही होती है। तो अब यूएसए के पास क्या थे, काफ़ी सारे पैसे थे, ठीक है, तो वो वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ें बना रहा था, ठीक है। जैसे नॉर्मल बैंक होता है ना गाइस, वो क्या करता है लोन वगैरह देता है, वर्ल्ड बैंक का भी काम ये है कि वो देशों को लोन देगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन को लोन नहीं देता, वो देशों को लोन देता है, ठीक है। और IMF होते हैं गाइस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, मतलब कि ये भी क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड्स वगैरह देती है, ठीक है। अब इनके अंडर में क्या करते हैं कि ये जो कंट्रीज़ थे ना वो क्या करती हैं कि तुम ऐसे चलो जैसे हम बता रहे तो वो उसी प्रकार जैसे चलती हैं जैसे ये इनको बताते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गाइस कि इंसानों के मतलब सॉरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, लोकल पीपल्स जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके अंडर में सब चीज़ें आ जाना। अब गाइस एक बात सोचो, अगर एक बार आपके पास बिल्कुल खाने के लिए नहीं हो एक दिन के लिए, फिर दो दिन के लिए आपके पास भर पेट खाने के लिए हो, फिर एक महीने के लिए खाने के लिए नहीं हो, फिर एक महीने के लिए भर पेट खाने के हो, मतलब पेट भर खाने से भी ज़्यादा हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है गाइस कि आपको एक टाइम ऐसा हो कि बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, एक टाइम ऐसा हो कि आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है कि आपका काम चल रहा है लेकिन उसके बाद में भी वो खाना बच रहा है, ठीक है। लेकिन आपको खाना तो रेगुलर चाहिए ना, ठीक है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखो कि इसकी वजह से क्या हुआ, सोल्ड एवरीथिंग, अब सब कुछ बिक गया उन कंट्रीज़ के अंदर, मतलब कि जो भी चीज़ें थी ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो सब क्या हो जाती है, बिक जाती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ भी वगैरह बिकने की वजह से क्या होगा कि जो भी अब तक का स्टॉक था स्टोर किया हुआ वो सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अब नष्ट हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा देखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो क्या होता है कि जो बैंक्स वगैरह थे ना वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जो इनकम बैंक था, ठीक है, वो रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक माना जाता था उस टाइम्स में भी, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बिक जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है। और लगभग 700 से ज़्यादा वैसे बैंक बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, मतलब कि अब लोगों की जो सेविंग्स थी ना वो भी चली गई, दो चार बचा के रखा रखे थे ना सेविंग्स वगैरह, इस इकोनॉमी तो पूरी तरह से तबाह हो ही चुकी थी लेकिन थोड़ी बहुत जो बचा रखे थे ना उन्होंने इकोनॉमी वो भी क्या हुआ अब चली गई। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है गाइस कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन होता है गाइस क्या, महंगाई, हर चीज़ की महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। और जो रूबल होता है ना, रूबल वो वहाँ की करेंसी होती है, ठीक है, कहाँ की, यूएस की, वो रूबल भी वहाँ की गिर जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। रूबल की वैल्यू गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और क्या होगा कि अब पहले क्या होता था कि जो भी वर्क, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से था पहले, लोगों सबके पास क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का तो गया तो एम्प्लॉयमेंट किसी के पास नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सब कुछ चला गया, उसके बाद में क्या होगा कि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि जो पॉवर्टी थी ना वो इतनी ज़्यादा गई। पहले क्या होता कि एग्रीकल्चर वगैरह जो था वो सारा एक जगह करके प्रोड्यूस किया जाता था और लोगों को बांट दिया जाता था, लेकिन अब अगर कोई इकट्ठा करने वाला है ही नहीं तो उसको मैनेज कौन करेगा, तो अचानक से क्या हो जाता है, फूड क्राइसिस आ जाती है, ठीक है।
इतना आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे, ये कौन है गाइस, बोरिस याल्स्टीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है मैंने, क्या, शॉक थेरेपी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का मतलब है गाइस क्या, कि जो भी मेथड्स जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन वाली कंट्रीज़ के अंदर फॉलो किए गए थे ना, ठीक है, किसके द्वारा बताए गए थे, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए थे, यूएस के द्वारा, ठीक है। यूएस ने क्या इस्टेब्लिश किए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या किया, शॉक थेरेपी लगाई, मतलब कि ऐसी थेरेपी लगाई जिससे क्या हो कि इनके पूरी तरह से जो पिछला जो सिस्टम था ना उसको उखाड़ के नया सिस्टम लाया। यानी कि एक्चुअली में कर कौन रहा है, यूएसए ही कर रहा है ना सब कुछ, ठीक है। अब यूएसए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, अब ये अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा होगा। इसका फ़ायदा क्या था, देखो गाइस यहाँ पे इसका फ़ायदा ये था कि जब भी कोई नई चीज़ आएगी ना तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पे कि अब ये क्या करेगा, उस उन जो कंट्रीज़ के अंदर जाके क्या करेगा, पावर प्लांट लगाएगा। अब पावर प्लांट लगाएगा तो क्या होगा, इसकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी। इसको मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों के लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसको क्या है, अपनी इकोनॉमी की पड़ी थी तो वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। तो देख सकते हैं आपने गाइस, मैंने यहाँ पे एक शॉक थेरेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कार्टून वगैरह जो था वो मैंने गूगल से लिया है, ठीक है। एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर है, ठीक है। अब ये एक बैंक की तस्वीर है रशिया के अंदर, ठीक है, जो कि बैंकक्रप्ट हो चुके थे। और ये क्या है, एक जैसे हम कह सकते हैं एक चार्ट टाइप है क्या, जो कि बिगेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब बिगेस्ट सेल थी ना तो उनको पता था गवर्नमेंट को कि ऐसा तो होगा कि सब कुछ चला जाएगा, लेकिन वो क्या कर रही थी, सोच रही थी अपने ही लोगों को दे दे। लेकिन गाइस लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनको क्या दिए गए, वाउचर्स दिए गए कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम ये वाउचर लो, ठीक है, और क्या करो तुम सेल में पार्टिसिपेट करो। अब कई उनमें से क्या थे कि वो उस वाउचर्स को बेच रहे थे ब्लैक मार्केटिंग में, क्यों, क्योंकि उसके पास उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चाइना मैंने कहा कि उसके आइडियोलॉजी को बिलोंग करता था, लेकिन वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा गाइस मैं बताता हूँ कि चाइना क्या होता है, पहले ही क्या कर लेता है, वो यूएस के साथ हाथ मिला लेता है, ठीक है। जो हेनरी निक्सन नाम के वहाँ के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनके साथ पहले ही हाथ मिला चुका होता है, और क्या करता है कि जो वहाँ की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी थोड़ी फॉलो करने लग जाता है, और धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके प्राइवेटाइज करता है। इन कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ कि सब चीज़ों को एक साथ ढीला छोड़ दिया गया, ठीक है। पहले सब चीज़ों को कंट्रोल में करके रखो, फिर अचानक से सब कुछ ढीला छोड़ दो तो क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, चाइना ने क्या किया, एक एक चीज़ को छोड़ता गया, ठीक है। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया का क्या था कि इधर क्या है कैपिटलिस्ट है और इधर क्या है कम्युनलिज्म है, लेकिन इंडिया ने क्या फॉलो किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब कि दोनों के साथ ही नहीं गया, और तीसरा मतलब कि इसकी भी थोड़ी मान ली, जो उसको इंटरेस्ट का लग रहा है वो मान लिया क्या इंडिया ने, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, ठीक है गाइस, थैंक यू।